इसको लेके गए डॉक्टर के पास, ऑटो में गए थे तो एक तो रोने भी लग गई थी। भाई आज हो गई है चिराग की तबीयत खराब। पेट में भी दर्द हो रहा है, उल्टी भी हुई है और बुखार भी हो रहा है थोड़ा सा। तो मैंने ये हींग लगा देती हूँ थोड़ी हाँ सी। हिंग से आराम आ जाएगा ना। हाँ हींग से तो जी लगा रहे हैं चिराग को मुझे हिंग। क्या हो गया चिराग, पेट में दर्द है? पीनी कैंपा पीनी? लो कैंपा पी लो, थोड़ी सी लो, लो बुखार भी ना, लो अभी थोड़ी हींग सी पी एक लो। रुक जाओ, ठंडी नहीं है पहले अभी। लगवा लो ना, हींग लगवा लो पहले, ठीक रुक है? जाओ, वो लगा ठीक ली है, मैंने। इससे भी जो है गैस हो रही तो निकल जाएगी ना, है ना? चलो हींग लगवा लो। है तो भाई गर्म पानी करके पेट पे लगा रहे हैं हींग, इसके पेट में आराम आ जाएगा। राम राम दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मनोज चौहान ब्लॉग में। और दोस्तों चिराग की हो गई है तबीयत ख़राब, और दोस्तों इसको उल्टी हो रही है और पेट में दर्द है, और हमने जो है गर्म पानी में हींग मिला के इसके पेट पे भी लगाई थी लेकिन आराम नहीं आया दोस्तों इसको। इसको उल्टियाँ हो रही थी, उल्टियाँ रुक नहीं रही थी। तो दोस्तों जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास, और दोस्तों स्कूटर में हैं हम, थ्री व्हीलर में, और दोस्तों थ्री व्हीलर के अंदर इसको उल्टी हो गई थी, इसको वॉमिटिंग हो गई थी स्कूटर में ही। तो दोस्तों चलते हैं डॉक्टर के पास। दोस्तों आ गए हम डॉक्टर के क्लिनिक पे। अभी डॉक्टर साहब आए नहीं हैं, आधे घंटे बाद आएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ 6 बजे आते हैं और हम 5:30 बजे पहुँच गए थे यहाँ पर। तो दोस्तों हम कर रहे हैं डॉक्टर साहब का वेट। दोस्तों चिराग के दवाई ले आए और लेट रहा है चिराग, आते इसको लिटा दिया है। और चिराग को पहले देंगे दवाई, क्योंकि इसको हो रही है उल्टियाँ, उल्टी में आराम पहले आना चाहिए, तो दे रही है दवाई। एक था उसको पिला चिराग दे, पिला दे। ये उल्टी की है। आराम आ जाएगा ना, है ना चिराग? उल्टी की है? हाँ ये उल्टी की, ये बुखार की है दोनों। बुखार की तो थी अपने पास ना। हाँ ये थी ना, तो कह रहे पहले नॉर्मल पिलाना फिर ये अच्छा वाली बाद में देना, नहीं उतरे जब। अच्छा ये अच्छा पेट अच्छा दर्द की है। और नॉर्मल से उतर गया तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, हाँ है ना? और वो कह रहे थे लूज मोशन लग सकते हैं इससे, अच्छा दवाई से, क्योंकि पेट में दर्द है ना इसलिए। तो उसके कोई घबराना नहीं है, घोल देना। अच्छा घोल दिया ये है। हाँ मतलब आधी गिलासी कप में ORS ना? हाँ वो है, सुबह शाम की ये है, और ये 1 लीटर में बनाना है। अच्छा ये अच्छा पानी मतलब पानी की जगह ये पिलाते रहो। चलो जी अभी तो एक ही दिया दवाई, अब आराम आ जाएगा ना, है ना चिराग? दोस्तों दे दिए चिराग को दवाई, और ये देखिए ये गर्म करके भी दे दिया, सिकाई कर और रहा पेट पे रख दिया, थोड़ा सिकाई कर रहा है ये। हाँ और एक ताप मंगा रही है दूध। हाँ दूध ले आओ, चलते हैं दूध लेके आते हैं, चाय पियेंगे। हाँ चाय पियेंगे, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, और अब जो इसको आराम आ ही जाएगा, तो उधर आराम करेगा तो। हाँ। तो चलते दोस्तों लेके आते हैं दूध। देखो भाई बन रही है चाय, ये देखिए, और दूध मैं ले आया हूँ, और दूध गर्म कर रही है एकता, और ये हाँ, चाय चाय में भी डाल दिया दूध। ये देखो भाई बज गए हैं 7, शाम के 7 बज गए हैं, और जोत बत्ती कर दी एकता ने, पूजा पाठ कर दी एकता ने, ये देखिए। दोस्तों सो गया है चिराग, इसको दवाई हमने दे ही दी, दवाई खा के इसको आ गया आराम, अब ये सो रहा है आराम कर रहा है। और दोस्तों आज तो पूरा दिन ही गंदा गया है, सुबह उठते ही जो है उठते ही इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसके पेट में हो रहा था दर्द और बुखार ही बहुत तेज़ था, और उल्टियाँ भी आ रही थी। हमने सोचा कोई वैसी गैस बन गई हो कुछ खाने से, ना तो हींग भी लगाई इसके, आराम ही नहीं हुआ, कैम्पा भी पी इसने, फिर ज़्यादा दर्द होने लगा, फिर हम इसको शाम को लेके गए दवाई के। हाँ फिर डॉक्टर के पास लेके गए, और उसी डॉक्टर से आराम आता है जो हमारे यहाँ के डॉक्टर है। हाँ अवंतिका के, तो वहीं से जो आराम आता है इसको। हाँ बच्चों के डॉक्टर है ना वो। हाँ और स्पेशलिस्ट बच्चों के ही हैं वो। तो दोस्तों आज तो पूरा दिन ही ऐसा गया था, और दूसरी बात ये थी कि ये जो है सुबह से जो है कुछ भी नहीं खाया आज तो इसने, हाँ कुछ भी नहीं खाया था, और उल्टियाँ बहुत कर रहा था। नहीं तो सुबह अपना नाश्ता मांग लेता ही है, मेरे को चाय पीनी है, मेरे को पराठा खाना, आज तो इसने कुछ भी नहीं मांगा सुबह से। जो इतना चंचल है, खेलता कूदता, तोड़ा फोड़ी करता, घूमता है, चुप हो जाए बिल्कुल ही, तो अजीब सा लगता है। घर में भी हमारे सुमसाम हो रहा है आज सारे दिन। हाँ ये बहुत ज़्यादा जो शरारती करता है ना, तो अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था ना, तो हमें बहुत बुरा लग रहा था कि बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ शरारत नहीं कर रहा, कुछ बोल नहीं रहा, हंस नहीं रहा, तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और एकता तो जो है इसको लेके गए डॉक्टर के पास, ऑटो में गए थे तो एकता तो रोने भी लग गई थी।
अब इसके ओटो में भी उल्टी हो रही थी ना। हाँ तो इसको मैंने समझाया, मैंने कहा रोते नहीं है, मैंने कहा ठीक हो जाएगा। फिर एक और प्रॉब्लम थी ना, क्योंकि ये जो है बाथरूम नहीं कर रहा था, इसने सुबह से जो बाथरूम नहीं किया था, टॉयलेट नहीं किया था इसने, तो ये भी डरता है कि बच्चा जो है टॉयलेट करना चाहिए उसको, है ना। टॉयलेट जरूरी होता है, बच्चे को अगर हाँ गंदा लग जाए तो वो हाँ दिक्कत हो जाए। और दर्द भी बता रहा था पेट में, मैं भी चिंता कर रही थी, ये भी और मम्मी। तो मम्मी भी फोन भी कर करके पूछ रही है, मम्मी रास्ते में कि इसके बाथरूम वाथरूम पूछ लेना अच्छी तरह डॉक्टर से, मगर इसको ने कर लिया इसने बाथरूम। तो फिर डॉक्टर, हम पहुंच गए थे 5:30 बजे, शाम के 5:30 बजे हम पहुंच गए थे, और डॉक्टर साहब ने आना था 6 बजे, 6 बजे तो हम आधा घंटा हमने वेट किया। तो इसको और भी टेंशन बहुत ज़्यादा कि भाई इसने बाथरूम भी नहीं किया है, सुबह से बाथरूम नहीं किया है, कहीं ऐसा होता है ना कि भाई बाथरूम का फंदा भी लग जाता है, दिक्कत हो जाती है बाथरूम की कि बच्चे को ना आए। तो इसको मैंने समझाया, मैंने कहा भी आधा घंटा है डॉक्टर को आने में, मैंने कहा चलते हैं बाहर, पहले इसको टॉयलेट कराते हैं। तो इसको बाहर लेके गए, बाहर इसको टॉयलेट कराया, टॉयलेट आ ही नहीं रहा था उसका। बहुत तो मैंने एक मुश्किल तो को कहा, मैंने कहा शी तो कर जब करेगा ये बचपन की तो तरह हाँ हाँ, तो प्रॉब्लम तो खुद हुई कर नहीं थी, लेता थोड़ा ये। थोड़ा हम दुखी थे, लेकिन मैंने एक तो को बोला, मैंने एक तो मेरे को शी कर, क्योंकि शी करने से जो है ना, जो करते हैं ना श, तो बच्चा जो है बाथरूम करता है। तो जब जाके इसने करा, संस्कार में हाँ से दुखी तो हो रही थी, लेकिन मैंने कहा जब ये करेगा ये, जब शी शी करेंगे, हाँ वो करा तो वैसे तो इसको। किया नहीं इसने। जब एकता ने करा ना शी, जब जाके उसने बाथरूम करा, जब मैंने कहा, मैंने एकता देख लिया, मैंने कहा ठीक है ना बिल्कुल, हाँ जब जाके एकता के सांस में सांस आई कि हाँ चलो बाथरूम तो कर रहा है। रियल वो फिर जूस पिलाया इसको थोड़ा सा, जो इससे उल्टी नहीं आई इसको, ऑरेंज वाला, तो हाँ जी थोड़ा हाँ, आराम था इसको। और फिर रियल जूस पिलाया इसको, जब जाके थोड़ा वो आया, और डॉक्टर साहब ने जो आते ही जो ये बता दिया कि आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है, हाँ मौसम की तो वजह इस से। चक्कर में जो बच्चे बीमार हो ही जाते हैं। हाँ तो डॉक्टर ने दवाई लिख के दी, और हमने इसको अब दवाई दी है, अभी तो अब ये सो कर रहा है। रहा है आराम, हाँ और माता रानी ने चाही, भगवान ने चाही, तो ये सुबह सुबह तक तक ये ठीक ठीक हो हो जाएगा। जाएगा। तो हमारा व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन भी नहीं था, लेकिन वो तो हमने बना ही दिया, मगर हाँ चलो थोड़ा बहुत, और काफ़ी चीज़ तो हमने जो दिखाई भी नहीं है। तो दोस्तों, तो यहीं जो अपने व्लॉग को जो है एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। बाय दोस्तों।